झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीट झाबुआ थांदला पेटलावत के चुनाव संयोजक दौलत भावसार ने झाबुआ जिले की तीनों सीट जीतने का दावा करते हुए कहा कि हम अब की बार अप्रत्याशित रूप से तीनों विधानसभा सीटों का रिजल्ट भाजपा के पक्ष में आएंगे। आपको बता दें कि दौलत भावसार जो कि भाजपा पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिनको पार्टी ने झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा चुनाव का संचालन करने का पार्टी केंद्रीय नेतृत्व में इन पर भरोसा जताया है। झाबुआ विधानसभा सीट पर किए गए सवाल पर उन्होंने क्या कहा, पार्टी का हर कार्यकर्ताओं को टिकट मांगने का हक है, यह मुद्दा जल्द ही सुलझा लिया जाएगा। झाबुआ जिले की तीनों विधानसभा सीटों का आपको चुनाव समिति का संयोजक बनाया गया है, इसको आप किस तरीके से ले रहे हैं? केंद्रीय प्रदेश नेतृत्व ने मुझ पर विश्वास किया है जिला चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक के रूप में, और मैंने उन्हें आश्वस्त किया है कि इस बार झाबुआ जिले के अप्रत्याशित रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और हम तीनों विधानसभा चुनाव में बहुमत के साथ जीतकर विधानसभा में हमारे विधायक पहुंचाएंगे, और उसके लिए व्यापक स्तर पर हमने बूथ से लगाकर शक्ति केंद्र से मंडल, मंडल से लगाकर जिला स्तर, मोर्चा प्रकोष्ठ सभी को हमने एक्टिवेट कर दिया है, और विधानसभा स्तरीय हमारे सम्मेलन हो गए हैं, मंडल स्तरीय हमारी बैठकें सम्पन्न हो गई है, सम्मेलन हो गए, अब हम नीचे अगले चरण के रूप में हम शक्ति केंद्रों के सम्मेलन करने की तैयारी में जुट गए हैं और बहुत जल्दी वो चालू हो जाएंगे, और वो संपन्न होने के बाद हम सीधे बूथ स्तर के सम्मेलन करेंगे। इस प्रकार हमारी तैयारी नीचे तक है, सारे मोर्चे प्रकोष्ठ भी तैयार है, और जन आशीर्वाद यात्रा 15 तारीख को झाबुआ जिले में अंधार वार्ड से प्रवेश कर रही है, जिससे भी इस जिले का मानस, यहाँ के मतदाताओं का हृदय परिवर्तन होगा, इस प्रकार की हमें आशा और उम्मीद है, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व इसमें आ रहा है, और थानला में अपने अंधार वार्ड से प्रवेश के बाद राणापुर में हमारी एक विशाल आम सभा है बस स्टैंड राणापुर में, उसके बाद वहाँ से वो यात्रा झाबुआ आएगी और रात्रि बस स्टैंड पर, झाबुआ बस स्टैंड पर करीबन 6:30-7 बजे एक विशाल आम सभा का आयोजन हमने यहाँ किया है, जिसमें झाबुआ विधानसभा के 8 मंडल के पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। और झाबुआ विधानसभा के अंदर काफ़ी विरोध नज़र आ रहा है टिकटों को लेकर, दावेदारियों को लेकर, झाबुआ विधानसभा में तो काफ़ी देखने को भी मिला है, इसमें आपका क्या कहना है? देखो, ये लोग भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर किसी को लोकतांत्रिक तरीके से अपना पक्ष रखने का अधिकार दिया है, बोलने का छूट दिए, और उसी के चलते जो लोग टिकट की दावेदारी में होंगे उन दावेदारी से वंचित हो गए हैं और टिकट अन्य लोग हम प्रत्याशी घोषित हो गया है, तो अब स्वाभाविक थोड़ा विरोध तो घर में 5 बर्तन रखते बचते हैं, इसलिए वो बज रहे हैं, सब शांत हो जाएंगे आने वाले दिनों में, जैसे जैसे चुनाव पिकअप करेगा हमारा, सब सामान्य होकर कार्यकर्ता काम पर लग जाएंगे, ये मुझे जिला संयोजक के रूप में पूरा विश्वास है, और कार्यकर्ताओं की मानसिकता को और उनके सरहृदयता को भी मैं जानता हूँ, उस आधार पर ये चीज़ बोल रहा हूँ।